ओम शांति। जरूर लिखिएगा। ड्राइवर मंगल सिंह जी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जिस तरह से 19 तारीख को जो है वो ड्राइवर मंगल सिंह जी, जो कि जम्मू के कोट बलवाल से ताल्लुक रखते थे, वो अपनी इनोवा कार में जो है वो कटड़ा से सवारियां लेकर 7 के करीब जो है वो जम्मू रेलवे स्टेशन की ओर आ रहे थे, लेकिन ऐसे में रास्ते में उन्हें जो है वो किडनैप करके उनकी जान ले ली गई थी। और उसके बारे में आपको बताने चले कि जम्मू पुलिस ने हरियाणा के इस सिरसा से जो है वो इस पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस गाड़ी लूटने के मकसद से जो है वो ड्राइवर मंगल सिंह जी की जो है वो जान ली थी। ना जाने जम्मू के हालात किस तरह से बनते जा रहे हैं कि हरियाणा के सिरसा से लोग जो है वो जम्मू में आकर अब इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसमें उसको जो है वो यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। हालांकि ब्लाइंड केस को पुलिस ने जो है वो 4 दिनों में सुलझाया है, और इसमें ड्राइवर जो मंगल सिंह जी हैं उनकी ये कहें कि उनकी जान लेने के बाद हथियारों ने जो है वो उनकी बॉडी को जो है वो बजालता में फेंक दिया था, जिसके बाद कल ही उनकी बॉडी को जो है बरामद किया गया है। लेकिन इसमें 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके गाड़ी को जो है वो बरामद कर लिया गया है, और आरोपियों के खिलाफ बताया ये जा रहा है कि पहले भी कई सारे जो है वो मामले दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू पुलिस ने लापता होने के मामले को जो है वो सुलझा लिया है, जिसमें ड्राइवर मंगल सिंह जी जो कि जम्मू के गरोटा के अंदर जो कोट बलवाल का एरिया है वहां के रहने वाले हैं, और उनको उनके बारे माफ कीजिएगा जो कि गिरोटा के जो अंदर एक इलाका पड़ता है कोट बलवाल, वहां के रहने वाले हैं। उनके शव को जो है वो सिद्रा के जंगलों से जो है बरामद किया गया था कल, और उसकी ये कहें कि गला घोट कर जो है वो उनकी जान ली गई थी, और शव की हालत जो है वो काफी जो है वो उनकी खराब हो चुकी थी। लेकिन ऐसे में हर कोई हैरान था, खासकर ड्राइवरों की बात करें, उनके रिश्तेदारों की बात करें, चाहने वालों की बात करें कि आखिरकार ड्राइवर मंगल सिंह जी के साथ जो है वो ऐसा क्या हुआ था। तो आपको बताने चलें कि इसकी पूरी जो कहानी है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बताने चलेंगे इनकी बॉडी को एक नाले में जो है फेंका गया था, और ये रोड जो है वो आगे बजालता को जाता है, लेकिन ऐसे में पुलिस की टीम ने हरियाणा के सिरसा से गाड़ी को जो है वो बरामद किया है, और इस पूरे ये कहें कि हत्या में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि आज जो है वो उन्हें पुलिस द्वारा जो है वो जम्मू लेकर पुलिस उन्हें पहुंचेगी, और उसके बाद जो भी है वो इसके ऑफिशियल तौर पर पूरे मामले का जो है वो खुलासा किया जाएगा। लेकिन एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह जी की बात करें या एसपी रूरल ब्रजेश शर्मा जी की बात करें तो इस मामले पर जो है वो उनकी पूरी निगरानी थी, और जबकि ये कहें कि पुलिस इस पूरे मामले को हल करने के लिए जो है वो बहुत ही मेहनत जो है वो कर रही थी। और इसी तरह का एक मामला पहले भी इस तरह का जो है वो 2010 में देखने को मिला था। यहाँ पर एक ड्राइवर की जो है वो इसी तरह से जान ले ली गई थी, और उसकी बॉडी को जो है बाद में फेंक कर जो है वो आरोपी गाड़ी को लेकर जो है वो चले गए थे। लेकिन इसी तरह का एक मामला 19 अगस्त को, जब एक रक्षाबंधन का दिन था और ड्राइवर मंगल सिंह जी की जो बहनें थी वो उनको राखी बांधने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उनकी 1 बजे के करीब अपने भाई मंगल सिंह जी से फोन पर बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं जल्द ही जो है वो घर में पहुंच जाऊंगा, तो आप मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं आके जो है वो राखी बांध लूंगा। लेकिन उसके बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है, और उनकी गाड़ी बन टोल प्लाजा पर भी देखी जाती है, उसके बाद लखनपुर में भी देखी जाती है, लेकिन उसके बारे में कोई भी जो है पता नहीं चलता, और इनसे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होता है। जिसके चलते जम्मू पुलिस के पास जब ये कंप्लेंट पहुंची तो उन्होंने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की, और जो 19 अगस्त को टैक्सी ड्राइवर मंगल सिंह जी सनाफ गदर्भ सिंह जो कि चक सेरी कोट बलवाल के रहने वाले थे, इनकी परिजनों की तरफ से एक शिकायत जो है वो पुलिस को दी गई, जिसमें बताया गया कि वह सवारियों को लेकर जो है वो कटड़ा से रेलवे स्टेशन जम्मू के लिए जो है वो निकले थे, लेकिन ऐसे में उनकी जो लास्ट बार बात है वो नगरोटा टोल प्लाजा के आसपास हुई थी, और उसने करीब 1 बजे दोपहर को घर पहुंच जाना था, लेकिन ऐसे में उसके बाद से उनका फोन जो है वो लगातार बंद आ रहा है, और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं कोई पता जो है वो नहीं चल रहा है। ऐसे में जो परिवार वाले थे उनके उसके बाद जो है वो रेलवे स्टेशन व आसपास के इलाकों में भी उनकी तलाशी के लिए वहां पर पहुंचे, ताकि पता चल सके कि आखिरकार ड्राइवर मंगल सिंह जी जो है वो इस समय कहां पर हैं। लेकिन ऐसे में जांच के दौरान जब लखनपुर टोल प्लाजा के डाटा को जो है वो देखा गया तो पाया गया कि इनोवा टैक्सी नंबर JK02BG7407 जिसके वो चलाते थे वो जो है वो वहां से क्रॉस तो हुई है, लेकिन ड्राइवर मंगल सिंह जी जो है वो उसमें नहीं है। जिसके बाद परिवार के भी हाथ पांव फूल गए, और परिवार भी ऐसे सदमे में चला गया कि आखिरकार ये सब जो है वो कैसे हो सकता है,
कि ड्राइवर मंगल सिंह जी जो है वो उस गाड़ी में नहीं है, वो उसे नहीं चला रहे, तो उसमें पुलिस को भी शक हुआ और जांच को जो है वो तेज कर दिया गया, जिसमें चार दिनों तक दिन रात जम्मू पुलिस ने मेहनत की। खासकर एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह जी की बात करें या एसपी रूरल ब्रजेश जी की बात करें, तो लगातार उनकी तरफ से भी इस केस पर निगरानी रखी गई। और उसके बाद एक पुलिस की टीम जो है वो हरियाणा के सिरसा में पहुंची, यहां से 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गाड़ी भी उनसे जो है वो इनोवा कार बरामद कर ली गई है। और उस गाड़ी को भी और इन 8 आरोपियों को भी पुलिस जो है वो जम्मू में आज जो है वो सुबह लाएगी। और बता दें कि पुलिस को जो है वो इसमें किस तरह से अब ये पूरा सुराग लगा है ये भी आपको बताते चलें कि जब पुलिस जो है वो गाड़ी की तलाश कर रही थी तो लखनपुर टोल प्लाजा से जब डाटा को देखा गया तो उसमें पाया गया कि गाड़ी में 19 अगस्त को लगभग जो है वो 3 बजे यहां से ये गुजरा है, लेकिन ड्राइवर मंगल सिंह जो है वो उसमें नहीं है। क्योंकि मंगल सिंह जी की बात करें तो उन्होंने सफेद रंग की जो कमीज है वो डाली हुई थी और डाटा में जो ड्राइवर गाड़ी को जो है वो चला रहा था उसने जो है पीले रंग की जो कमीज थी वो जो है वो डाली हुई थी और उससे शक बढ़ा और पुलिस की टीम कटरा में पहुंची। यहां से सवारियों को बिठाया गया था, जांच जो है वो वहां पर भी की गई। यहां से पता चला कि 8 जो युवक थे वो इस गाड़ी में जो है बैठे थे और साथ साथ ये डंप डाटा व जो बाकी जो टेक्निकल मदद है वो ली गई और उसके बाद सबूतों को जुटाया गया। तो ऐसे में पुलिस ने संदिग्ध नंबरों को जो है वो ट्रेस किया और कहीं ना कहीं आरोपियों तक जो है वो ये पुलिस पहुंची है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि आरोपियों ने जो है वो गाड़ी का नंबर जो है वो बदल दिया था। जब पुलिस आरोपियों तक पहुंची तो उन्होंने भागने का भी कोशिश की, लेकिन ऐसे में पुलिस ने उन्हें हरियाणा के सिरसा से जो है वो गिरफ्तार किया है। लेकिन काफी हैरानगी है कि जनाब किस तरह के हालात है जम्मू के बनते जा रहे हैं। एक तरफ जो ये कहें कि आतंकी गतिविधियां हैं वो भी जम्मू डिवीजन में देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ जो बाहर से उठकर लोग आ रहे हैं वो भी इस तरह की घिनौनी वारदात को, कभी चोरियों को, कभी नशे को, कभी कोई भी काम जो है वो ऐसे ऐसे उल्टे काम उन्होंने पकड़े हुए हैं जो शायद ही कोई भी नहीं सोच सकता है। तो जम्मू डिवीजन से जम्मू से ये शायद ही अपने आप में पहला ऐसा मामला होगा। लेकिन इससे पहले 2010 की बात करें तो तब भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर जगती में एक ड्राइवर की बॉडी को जो है वो फेंक दिया गया था, उनकी जान लेकर जो है वो उसके बाद फेंक दिया गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं बाद में ये अपने मकसद में जो है वो कामयाब हुए थे, वो भागे थे। लेकिन आज दूसरा मामला जम्मू से उस वक्त सामने आया जब जम्मू के कोट बलवाल से ताल्लुक रखने वाले ड्राइवर मंगल सिंह जी जो है वो सवारियों को लेकर ही जो है वो कटरा से जम्मू रेलवे स्टेशन की ओर आ रहे थे, लेकिन ऐसे में वही सवारियां जो है वो लूट के मकसद से जो है वो इनकी जान जो है वो ले लेती हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि आरोपियों का जो है वो टारगेट जो है वो लूट था, लेकिन ऐसे में जब लूट वो नहीं कर पाए तो उन्होंने जो है वो इनकी जो है वो जांच ले ली। क्योंकि जांच के दौरान ये भी पता चला है कि आरोपियों का टारगेट जो है वो लूट करना था, वो वैष्णो देवी के लिए जो है वो आए हुए थे, लेकिन बाणगंगा से ही वो वापस आ गए और उसके बाद टैक्सी को किराए पर किया गया। रास्ते में उनकी जो है वो गला घोट कर जो है वो जान ले गई और ऐसे में उसके बाद बजालता में उनके शव को जो है वो फेंक दिया गया और उसके बाद गाड़ी को वापस लेकर जो है वो आए और उसके बाद बाईपास रोड का जो है वो इस्तेमाल करके आगे पंजाब की तरफ बढ़े थे। लेकिन ऐसे में उसके बाद गाड़ी को लगातार चलाकर वह हरियाणा में पहुंच गए और जांच के दौरान पाया गया है कि उनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और उनका जो एक सबसे बड़ा काम है वो जो है वो लूट था और कई तरह के जो क्राइम है वो जो है वो उन्होंने करने थे। तो आप सब लोगों से कहेंगे अगर आप ड्राइवर हैं, ये एक ड्राइवर मंगल सिंह जिससे जुड़ा मामला नहीं है, ये कल को किसी ड्राइवर के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो प्राइवेट है या फिर पैसेंजर गाड़ी है, मेटाडोर है, बस है, या फिर ये कहें कि खासकर जो छोटी गाड़ी वाले हैं जिनके साथ ये 7 से 8 या 6 से 4 के करीब जो लोग बैठते हैं, तो कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए, तो ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। जितने भी ड्राइवर हैं हम तो उनको ये का सलाह देंगे कि जब वो किसी को अपने साथ बैठाएं तो कम से कम उनके पहले आईडी प्रूफ वगैरह देखें। जिस तरह से ये जो हरियाणा के सिरसा के 8 के करीब जो ये कहें बदमाश थे जिनका मकसद जो है वो एक लूट करना था और किस तरह से इन्होंने जो है वो सबसे पहले माता वैष्णो देवी जी के लिए जा रहे थे, लेकिन ऐसे में बाणगंगा से वापस आए हैं। लाख लानत है जनाब इनको, ये कैसे लोग हैं जो कि घर से माता वैष्णो देवी जी के लिए दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बाणगंगा से वापस आ गए और इन्होंने वहां से जो है वो एक किराए पर टैक्सी करी और रास्ते में जो है वो उसी लूट टैक्सी को लूटने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं उस ड्राइवर की जान ले ली, जिसके परिवार में आज मातम छाया हुआ है और वो बेसारा परिवार जो है वो किसके आगे जाएगा, जिसमें वही मंगल सिंह जी जो है वो कमाने वाले थे और जिससे उनके घर का गुजारा
जो है वो चलता था। तो वीडियो को साथ के साथ शेयर करें जनाब, ताकि कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने सारे नाके जो है वो उन्होंने कैसे क्रॉस कर दिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। इस समय असेंबली इलेक्शन भी जो है वो अनाउंस हुए हैं, जिसको लेकर सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा टाइट है। लेकिन वो किस तरह से जो है वो यहाँ से हरियाणा तक जो है वो पहुंचे हैं, हालांकि किस तरह से ये लखनपुर तक जो है वो वहां पर पहुंच पाए हैं, क्या उन्हें रास्ते में जो है वो एक बार भी नहीं रोका गया, क्या उनको रास्ते में जो है वो एक बार भी नहीं पूछा गया कि भाई साहब अपना डॉक्यूमेंट दिखाएं या कुछ भी दिखाएं, आरसी दिखाएं या कोई लाइसेंस दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, कहाँ से आए हैं क्या नहीं है, क्या एक बार नहीं पूछा गया, आपकी गाड़ी को एक बार नहीं देखा गया, अगर नंबर प्लेट उन्होंने बदली थी तो क्या उस चीज को नहीं देखा गया। तो ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन फिलहाल एसएसपी जोगिंदर सिंह जी का भी धन्यवाद करना होगा, जिन्होंने समय रहते इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और 4 दिनों के अंदर इस पूरे ब्लाइंड मामले को सुलझाकर 8 लोगों को हरियाणा के सिरसा से गिरफ्तार किया है। आत्मा की शांति के लिए जरूर मंगल सिंह जी के लिए कीजिएगा। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद।